हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अब भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के विधायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीवी राव ने तो एक कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम बनने का दावा भी कर दिया है। इतना ही नहीं, टिकट मिलने से पहले ही नॉमिनेशन की घोषणा भी कर दी है। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीवी राव ने रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इस दौरान कांग्रेस की टिकटों की घोषणा होने से पहले ही कार्यकर्ताओं को कहा कि चिरंजीवी राव 9 तारीख को नामांकन भरेंगे। रेवाड़ी विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि अगर जनता इस बार उन्हें विधायक चुनती है तो वे उप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। कप्तान अजय सिंह ने कहा कि चिरंजीवी राव ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये यकीन के साथ कह रहे हैं। वही चिरंजीवी राव ने कहा कि हर किसी की महत्वाकांक्षा रहती है, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि उप मुख्यमंत्री बने और ये लड़ाई अकेले उनकी नहीं दक्षिण हरियाणा की है। जाहिर है लालू यादव के दामाद चिरंजीवी राव रेवाड़ी से पहली बार 2019 में चुनाव लड़े थे। उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव साल 1989 से 2014 तक यहां पर 6 बार चुनाव जीते हैं। भाजपा यहां पर 36 साल से हार रही है। कैप्टन अजय यादव तो पूर्व सीएम भजन लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में मंत्री रहे और इस कारण इलाके में उनकी पकड़ है। अहिरवाल बेल्ट में 11 सीटों में से केवल महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से ही कांग्रेस बीते चुनाव में चुनाव जीती थी। आपको बता दें, धनु उर्फ अनुष्का राव लालू राबड़ी की छठी बेटी है। उनकी शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव से हुई है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।